एवरीवन, तो कैसे, तो आपने जो स्टार्टिंग में जो इंट्रो देखा, मतलब कार्टून इंट्रो अपना चैनल का नाम का, तो उस टाइप का बनाने वाले काइन मास्टर और पिक्सल ऐप की मदद से। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियोस आगे इस चैनल पर देखने के लिए। दोस्तों, सारा टेम्पलेट मटेरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जितना भी यूज होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेना है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है राइट में, और यहाँ से आपको इमेज साइज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से आपको कस्टम पे क्लिक करना है, यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा यूट्यूब थंबनेल का, इस पर क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर क्लिक करके ओके कर देना। उसके बाद इस टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट यहाँ पर डिलीट के बटन पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देना, और यहाँ से प्लस पे क्लिक करना है, और यहाँ से गैलरी में चल जाना और एक फ़ोटो ले लेना इस टाइप का, जो मतलब बैकग्राउंड कार्टून वाला जो आपको अच्छा लगे। और यहाँ साइज आपको यूट्यूब का साइज ले लेना रेशियो यहाँ पे क्लिक करके, और इस टाइप का आ जाने के बाद यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिलेटिव साइज, इसको बढ़ा के 100 कर देना है कुछ इस टाइप का, ताकि फुल स्क्रीन में हो सके, और यहाँ से आपको टिक कर देना है। उसके बाद इसको लॉक कर देना है इस लेयर को, तो यहाँ पे लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ से इस लॉक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है ताला के ऑप्शन पे यहाँ पे, और यहाँ से फिर से लेयर के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, हाइट हो जाएगा। उसके बाद फिर से प्लस पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको फिर से गैलरी में जाना है, और यहाँ से एक टेम्पलेट लेना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका, तो यहाँ से इसको ले लेना है, और यहाँ से टिक कर देना आ जाएगा। तो इसको घुमा लेना कुछ इस टाइप से, और छोटा करके इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है, छोटा बोलते हैं, थोड़ा बड़ा करके बीच में सेट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस लेयर पे क्लिक करना है, और इसको भी लॉक कर देना है यहाँ से, ठीक, इसको भी लॉक कर देना है। उसके बाद यहाँ से क्लिक करना है, उसके बाद फिर से यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ से एक न्यू टेक्स्ट ले लेना है, और इस टेक्स्ट में अपना चैनल का नाम लिख देना है, जो भी आपका कार्टून का चैनल का नेम है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख देते हैं कार्टून का चैनल का नेम, जैसे देखते हैं कार्टून धाम यहाँ से, ठीक है ना। तो लिख के ओके कर दिए, ओके कर देना आपको, और कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो वाइट दिख रहा है इसीलिए हाइट हो जाता है टेक्स्ट, तो इसको यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज करके कलर चेंज करना है, तो यहाँ पर क्लिक करना है एक ही ऑप्शन पर, और यहाँ से आपको नीचे आ जाना, एक ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट का इस टाइप का लिखा हुआ, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से थोड़ा मोटा वाला इस वाले फॉन्ट को ले लेना है, बोल्ड वाले, ताकि अच्छा दिखे, ठीक है ना। आप दूसरा फॉन्ट भी ले सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप जो आपको कलर अच्छा लगे ले सकते हैं। मैं रिकमेंडेशन करूँ कि आप रेड कलर लीजिए, ताकि अच्छा दिखेगा, ठीक है ना। तो रेड कलर जैसे कि मैंने लिया, एंड इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे बीच में सेट कर देना कुछ इस टाइप से। इतना कर देने के बाद इस फोटो को जो है ना यहाँ से सेव कर लेना है थोड़ा बीच में करके, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से इतना करके इसको सेव कर लेना है। तो यहाँ पे शेयर के इस ऑप्शन पे क्लिक करना, और यहाँ से आपको JPG की जगह PNG सेलेक्ट करना, और कस्टम में जाके अल्ट्रा सेलेक्ट करना है, यहाँ पर अल्ट्रा नीचे मिल जाएगा आपको, इस पर सेलेक्ट करना है ताकि अल्ट्रा क्वालिटी में रहेगा, ठीक है ना, और सेव कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको कर देने के बाद काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लेना है, ठीक है ना। तो चलिए काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लेते हैं, तो क्रिएट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको, और यहाँ से आपको यूट्यूब का रेशियो ले लेना है, ये वाला 69 वाला, और नीचे क्रिएट पे क्लिक कर देना है, ठीक। और क्लिक करने के बाद यहाँ से उस बैकग्राउंड को ले लेना जो पिक्सल लैब से हम लोगों ने बनाया था, तो ऐसे ले लिए, एंड देख सकते हैं। ले लेने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ड्यूरेशन इसका 7-8 सेकंड तक कर लिए, एंड कर लेने के बाद यहाँ पे आपको पेन एंड जूम के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से ऊपर वाले इस टाइप का रेड जैसा घर बनेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके दोनों उंगली से आपको इस टाइप से जूम कर लेना है, जितना अच्छा आपको जूम लगे कुछ इतना कर लीजिएगा, ताकि अच्छा लगे। इतना जूम कर लेने के बाद कुछ इस टाइप का जूम आउट होगा दोस्तों, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाना है, उसके बाद लेयर पे क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ से मीडिया पे, और यहाँ से पेड़ का PNG ले लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप इसका गूगल से डाउनलोड करके उसका रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड इस टाइप का पेड़ का। यहाँ से ले लिए पेड़, एंड इसका लेयर को ऊपर वाले लेयर के बराबर कर देना है, यहाँ पे ट्रिम टू राइट कर देना KGP क्लिक करके कुछ इस टाइप से, ठीक, एंड बराबर हो जाएगा। उसके बाद पेड़ को जो है पेड़ के लेयर पर क्लिक करके इसको बड़ा कर लेना खींच के कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे साइड में सेट कर देना, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको, और यहाँ पे साइड में सेट कर देना इतना,
इतना कर लेने के बाद इसका एक डुप्लीकेट बना लेना पेड़ का, ठीक है ना। तो यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना और डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना, बन जाएगा। उसके बाद इसको भी इस साइड में कर लेना कुछ इस टाइप से। इतना कर लेने के बाद फर्स्ट वाले लेयर पे आपको क्लिक करना और यहाँ पे आपको थोड़ा सा लेयर को आगे करना कुछ इस टाइप से। उसके बाद यहाँ पे की फ्रेम का ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर देना, ठीक। एंड कर देने के बाद दोस्तों इस टाइप का डॉट लग जाएगा। उसके बाद एंड में आना, थोड़ा सा बचेगा लेयर यहाँ, इतना कर लेना इतना। उसके बाद आपको पेड़ को पीछे की ओर ले जाना है स्लाइड करते हुए कुछ इस टाइप से, अंगुली से अपना इतना कर देना है। उसी प्रकार से आपको इस नीचे वाले लेयर यानी इस वाले पेड़ के साथ करना है, सिंपली थोड़ा आगे करना है और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, की फ्रेम ऐड होगा, फिर एंड में आ जाना, थोड़ा सा लेयर बचेगा यहाँ पे, और पेड़ को कुछ इस टाइप से लाइट करते हुए पीछे कर देना है, इतना कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद इतना कर देने के बाद हमारा इंट्रो बन चुका है। तो प्ले करके दिखाते हैं आपको, देख सकते हैं कुछ इस टाइप का नेम आएगा आपका चैनल का, जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। इस टाइप का आप बहुत सारा देखे होंगे, तो इस टाइप से आप भी बना सकते हैं मोबाइल से, काइनमास्टर से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।